3 घंटे की बारिश में डूब गया जयपुर। निचले इलाकों में भारी बारिश से जलभराव हुआ। 3 घंटे से लगातार बारिश हुई और राजधानी जयपुर डूब गई। कई जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है और बारिश के बाद प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां किस हिसाब से हुई, इसकी पोल भी खुलती हुई नजर आ रही है। राजधानी जयपुर में ये हालात है तो सोचिए ग्रामीण अंचलों में, प्रदेश के निचले अंचलों में क्या हालात होंगे। 3 घंटे तक हुई लगातार बारिश में यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई। ट्रैफिक जाम लग गया, कई इलाकों में लोग ट्रैफिक में फंस गए। वहीं दूसरी तरफ कई जगहों पर जल भराव इतना ज्यादा कि लोगों को वाहन चलाने में परेशानियां हो रही हैं। हमारी सहयोगी प्राची सैनी इस खबर पर लाइव जुड़ गई हैं। प्राची, एक बार दिखाएं राजधानी की तस्वीर। 3 घंटे से लगातार बारिश हुई और राजधानी डूब गई। जी देखिए देखिए, अभी फिलहाल ही हाल ही में देखिए यहाँ पे एक गड्ढा है और जैसे ही आपने मुझसे सवाल पूछा यहाँ पे एक जनक जो है वो डूब गए। और आप देख सकते हैं कि फिलहाल यहाँ पे बहुत सी ऐसी गाड़ियां हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं, इतने सारे गड्ढे हैं कि लोग लगातार गिरते जा रहे हैं। गलती से अगर कोई गड्ढे में गिरने से कोई बड़ा हादसा अगर हो जाता है तो उसका जवाब कौन देगा। और वहीं आप देख सकते हैं सड़कों पे जो लोग जा रहे हैं, चाहे वो गाड़ियों से जा रहे हैं नॉर्मल, इतनी ज्यादा परेशानी उन्हें झेलनी पड़ रही है। वहीं मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि लगातार मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सारे लोग हैं, वो SMS हॉस्पिटल के सामने का ये नजारा है। और लगातार इस तरीके से अगर ये हालात बने हुए 3 घंटे की बारिश के बाद, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन जो है उनकी तरफ से बहुत बड़ी चूक है। एक तरफ आप इलेक्शंस की तैयारियां कर रहे हो और एक तरफ ये सारी जो चीजें हैं ये बहुत ही दुखदायी। आप देख सकते हैं कि वो गड्ढे में है और उनका जो उनकी जो चप्पल है शायद वो फंस गई है, वो उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं और शायद उनका कुछ सामान भी है जिसको वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके की अगर तस्वीरें, मैं चाहूंगी कि इस तरीके की जो तस्वीरें वो प्रशासन की आंखें खोले और प्रशासन को पता चलना चाहिए कि आखिर कितनी बड़ी जो चूक है वो प्रशासन की तरफ से हो रही है। वहीं यहाँ लगभग घुटनों तक पानी भरा हुआ है, ना कोई बिल्कुल। प्राची, तस्वीरें आप दिखाते रहिए, बिल्कुल दिखाते रहिए। कैमरामैन को बोलिए किस तरीके से। SMS हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीरें हैं, एक व्यक्ति को आप देख रहे हैं और पूरा आधा शरीर उनका पानी में डूबा हुआ है। राजधानी जयपुर की तस्वीरें, प्राची तस्वीरें दिखाते रहिए। अफसोसजनक, निराशाजनक ये तस्वीरें हैं। ये इनको देखिए आप, SMS हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीर है। एक व्यक्ति कैसे पानी में आधे डूबे हुए हैं, उनकी चप्पल फंस गई है। और अभी एक खबर आ रही है राजधानी जयपुर से कि एक 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। वहीं SMS हॉस्पिटल के सामने का नजारा आप देखिए कि एक शख्स के कमर तक पानी भरा हुआ है। और ये इस तरीके की स्थिति कई बार हादसों का सबब बनती है। बेहद अफसोसजनक, बेहद निराशाजनक, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। आप लगातार एक नंबर अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दर्शकों से अपील करना चाहूंगी कि आपके इलाके में भी अगर जल भराव को लेकर स्थिति गंभीर बनी है तो जरूर आप कॉल करें, और जिन परेशानियों का आप सामना कर रहे हैं तो जरूर आप कॉल करके बता सकते हैं। तो आप देखिए, जी प्राची, वही मैं आपको बताना चाहूंगी, ये जो एम्बुलेंस है ये सामने वाले चौराहे पे लगभग 5 से 6 मिनट तक फंसी रही है और अब जाके ये जो एम्बुलेंस है ये उस जाम से बाहर निकल के आई है। तो आप सोचिए ये कितनी बड़ी चूक है, क्योंकि 5 मिनट एक एम्बुलेंस अगर एक सिग्नल पे खड़ी होती है, ऐसे ही पता नहीं कितने सिग्नल ये पार करके एम्बुलेंस आई होगी। तो ये कितनी बड़ी चूक है, क्योंकि एक एक मिनट जो है पेशेंट के लिए वो जरूरी होते हैं। और ये बिल्कुल बिल्कुल प्राची, जो प्राची बिल्कुल, कई एम्बुलेंस ट्रैफिक में आज जयपुर में फंसी है और इस तरह की खबरें आई है। प्राची, जो शख्स उस अभी गड्ढे में नजर आ रहे थे जहां जल भराव में, मैं चाहूंगी एक बार आप उनसे बात करें और जानें क्या ढूंढ रहे थे और किस तरीके की परेशानियों में है इस वक्त लोग। जी, वो अभी भी गड्ढे में, चलिए हम उनके पास जाने की कोशिश करते हैं। जी प्राची, बिल्कुल संभल कर अपना ध्यान रखकर जाइएगा। जी क्या दिक्कत है? तो जल भराव की स्थिति आप देखिए। SMS, उनका फोन अंदर गिर गया था। जी और जी बिल्कुल। तो आइए, SMS फोन अंदर गिर गया था। आपका फोन ठीक है क्या? फोन ठीक है आपका? नहीं, बिल्कुल खराब हो चुका है मैडम। नहीं, अभी 2 मिनट रहेगा, वो अभी ऑटोमेटिक खराब हो जाएगा। और आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी अंदर गड्ढे में गिरे थे मिल गए? धनवंतरी में ये बिलिंग कटाने जा रहा था CT स्कैन के लिए, तो मुझे पता नहीं था कि नाला भी है यहाँ, तो मैं गिर गया इसमें।
जी देखिए, बहुत संभल कर चलिए क्योंकि जो सड़कें हैं वो लगभग उनमें बहुत से गड्ढे हैं, आप प्लीज संभल कर चलिए। इसके अलावा कोई और नुकसान तो नहीं हुआ है ना आपको, कहीं लगी तो नहीं है? पेमेंट लगी भी है फिर में, और पेमेंट है जो खराब हो चुका है, पैसे वगैरह थे तो ये खराब हो चुका है। सारी चीजें मिल गई है ना जो भी आप ढूंढ रहे थे गड्ढे में? तो देखिए ये फिलहाल अभी बाहर आ चुके हैं, ये अंदर कम से कम 5 से 6 मिनट में अंदर अंदर फंसे हुए थे, गड्ढे में ये थे, और अब जाके जनाब बाहर आए हैं। तो ये बहुत ही दुखमयी तस्वीरें हैं कि उनका फोन पूरा खराब हो चुका है, वो कह रहे हैं बिल्कुल, और कैमरे में प्राची तस्वीरें कैद हुई हैं, कैमरे में सबूत है कि कितना लोगों को परेशान होना पड़ता है कि गड्ढा है, गड्ढा पूरी तरीके से खुला हुआ है। ऐसे में हॉस्पिटल के बाहर जहां पर बड़ी संख्या में इलाज कराने के लिए लोग आते हैं देश भर के, और उनके परिजन किस तरीके से, ये जो व्यक्ति है डॉक्यूमेंट्स के लिए जा रहा था और कैसे गड्ढे में गिरा और सब कुछ इनका खराब हो गया, तो इस तरीके की चुनौती जो लोग फेस करते हैं ये बहुत अफसोसजनक है। जी वही जैसे कि अभी उनके साथ एक घटना हुई, वही बहुत से ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं। अभी जस्ट मैं जब इधर रोड क्रॉस करके आ रही थी तो एक छोटा बच्चा था जिसके हाथ में फ्रैक्चर था, वो बहुत ही मुश्किल से रोड पार करके उस तरफ गया है ताकि वो अपने घर तक सुरक्षित जा सके। इसी तरीके की जो चीज़ें हैं, इसी तरीके की जो घटनाएँ हैं वो बहुत दुखी करने वाली है क्योंकि लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। SMS हॉस्पिटल के बाहर अगर इस तरीके का नज़ारा रहेगा तो लोग अपनी परेशानियाँ लेके, अपनी बीमारियाँ लेके कहाँ पहुँचेंगे? ये प्राची जो लोग हैं परेशानियां फेस करने, उनसे भी बात कीजिए। जी मैं बिल्कुल उनसे बात करती हूँ, और चलिए हम उन तक चलते हैं और उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से वो जो परेशानियां हैं उसको फेस कर रहे हैं, क्या कुछ दिक्कतें लोगों को आ रही है, चलिए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। वहीं देखिए नंदिनी, मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि व्हीलचेयर यहाँ पे है, ये व्हीलचेयर यहाँ पे रखी गई है, तो इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे कोई दिव्यांगजन जो है वो यहाँ पे मौजूद होंगे, और ये यहाँ पे मौजूद हैं, एक दिव्यांगजन हमारे साथ मौजूद हैं। जी मैं आपसे जानना चाहूंगी ये बारिश की स्थिति है, आप यहाँ पे अपनी व्हीलचेयर जो है उसको लेके यहाँ पे पहुंचे, क्या दिक्कतें आ रही है? देखिए तो पानी की आ रही है, कुछ खड्डे हैं इसलिए फिर तक तुरा नहीं जाता, यहाँ पे तो चंगे पड़े मसा तुर रहे हैं तो हैंडीकैप कैसे तुर सकता है। ठीक है जी, हाँ जी। आप यहाँ बाहर निकले क्यों जनाब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इतना बारिश थी। हम पंजाब से आए हैं और व्हीलचेयर ही लेने आए, स्टिचिंग का काम करते हैं तो आप SMS में व्हीलचेयर लेने? हाँ जी, तो स्टिचिंग का काम करते हैं तो सिलाई मशीन लेने आए थे क्योंकि गरीब है हम इसलिए। तो देखिए यहाँ पे इनकी जो व्हीलचेयर है वो यहाँ पे मौजूद है, और ये बड़ी मुश्किल से मतलब पंजाब से यहाँ तक पहुँचे हैं ताकि वो SMS में अपनी जो व्हीलचेयर है उसे वो ले सके। जी मैं आपसे जानना चाहूँगी, बहुत सी परेशानियाँ लोग झेल रहे हैं, लगातार बारिश जो है वो लोगों को परेशान कर रही है, SMS हॉस्पिटल के बाहर इस तरीके का अगर नज़ारा है कितना परेशान कर देने वाला है? परेशानी तो बहुत है, और अंदर बाढ़ में भी पानी भरा हुआ है, जहाँ पलक बिछे उसमें भी भरा हुआ पानी है, कैंसर विभाग में वहाँ से निकल के आ रहा हूँ खाने के लिए। जी आप किन परिस्थितियों में यहाँ पहुँचे और क्या कारण रहा कि आपको इतने भरे पानी में यहाँ आना पड़ा, ऐसे में हॉस्पिटल के बाहर आप क्यों आए? क्या करें, पानी में निकलना पड़ेगा, घर वाले को कैंसर हो गया, 3 महीने से यहाँ पड़ा हूँ, इलाज चल रहा है इसलिए। प्राची आपके पास वापस लौटेंगे तो SMS हॉस्पिटल में जो लोग एडमिट है उनके परिजन है और ये बता रहे हैं कि SMS हॉस्पिटल के वार्ड के अंदर भी पानी भर गया है।